प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि लाहौल स्पीति में पर्यटन व्यवसाय को मजबूती देने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रतिभा सिंह अपने लाहौल दौरे के दौरान जिस्पा, जहलमा और त्रिलोकीनाथ में आयोजित जनसभाओं को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और जिले के अनछुए पर्यटक स्थलों को विकसित करने की दृष्टि से बृहद कार्य योजना तैयार की गई है। इस योजना को प्रदेश सरकार के समक्ष प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा और इसे धरातल पर भी उतारा जाएगा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि बीते चुनाव में कांग्रेस को जनता का अपार समर्थन मिला है और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी विकास कार्यों के दम पर जनता का समर्थन हासिल करेगी। और हमने उस इलेक्शन को जीता। अब दोबारा 2024 मेरा समय बहुत कम था, 1.5 साल का समय मुझे मिला और इस कार्यकाल में भी मैंने प्रयास किया कि जितना भी हो सके इन ट्राइबल क्षेत्रों का मैंने दौरा किया और यहाँ की समस्याओं को सुनकर उसके लिए MP फंड भी दिया और उन समस्याओं को दूर करने के लिए भी हमने प्रशासन को बार बार आग्रह किया। तो उसी तरह से अब 2024 भी बहुत नज़दीक है, दोबारा चुनाव हमारा आने वाला है और हम चाहेंगे कि उसी तरह से हम इन कामों को तेज रफ्तार में करें ताकि लोगों को लगे कि आप के काम की सुनवाई हुई और वो काम हुए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन कामों को देखते हुए लोग अवश्य मुझे अपना आशीर्वाद देंगे और अगले चुनाव में भी सफल बनाएंगे। प्रतिभा सिंह ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को 9 तोड़ भूमि के लंबित मामलों को FRA के तहत जल्द निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिस्पा, योरनाथ, तांदी, किरतिंग और उदयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर लोगों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने केलंग में HRTC वर्कशॉप का निरीक्षण भी किया।